वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो संडे मॉर्निंग है आज और हम लोग निकले अपनी राइड पे। थोड़ा सा आगे जाएंगे आज जेवर से, आई थिंक मथुरा के आसपास तक कुछ खा पी के वहाँ से वापस। थोड़ी सी लंबी राइड भी चाहिए क्योंकि टायर अपने टेस्ट करने हैं। और अपने साथ हितेश वाला हसरा रचित जी और दो भाई और भी हैं, मिलाऊंगा अभी चल के सबसे जहाँ पे रुकते हैं। मौसम तो आज साफ लग रहा है एकदम, थोड़ी देर में बढ़िया धूप निकलने वाली है, ठंड हल्की सी कम है और हम लोग हैं रेडी निकलने के लिए। चले यमुना एक्सप्रेसवे पे। ठंड पता नहीं कम है या मुझे लग नहीं रही या फिर मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि कल तो दोपहर में काफी गर्मी हो रखी थी। बाकी राइड का मजा लेते हैं आज, इन टायर्स का भी थोड़ा सा पता चल जाएगा कि कैसे चलते हैं एक्सप्रेसवे पे, क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। प्लानिंग तो हमारी एक लॉन्ग ट्रिप की थी मगर वो किसी वजह से कैंसिल हो गई। लॉन्ग क्या, हम लोग 3 दिन के लिए ट्रिप बना रहे थे एक राजस्थान जाने का, मगर शायद नेक्स्ट वीक बनाएंगे दोबारा से, क्योंकि इस वीक रचित जी को कोई काम पड़ गया। तो नेक्स्ट वीक शायद हम लोग राजस्थान जाएँ 3 या 4 दिन के लिए। बढ़िया धूप निकल चुकी है एकदम और एकदम ब्राइट वेदर हो चुका है मज़ेदार एकदम राइडिंग के लिए। और आजकल जितने भी राइडिंग ग्रुप्स हैं उनमें सारे लोग निकल रहे हैं इधर उधर, तो हमने सोचा यार चलो थोड़ा जेवर से आज आगे हो के आते हैं। तो हम मथुरा वृंदावन तक देख रहे हैं कहाँ तक चलते हैं, जहाँ से मन करा वहाँ से यू टर्न लेके चल देंगे, थोड़ी लॉन्ग राइड हो जाएगी। प्लान तो हमारा 2-3 दिन की राइड का था मगर कुछ काम पड़ गया इसलिए, मगर नेक्स्ट वीक हम लोग बना रहे हैं 3 या 4 दिन का शायद राजस्थान का ट्रिप बनाएंगे, क्योंकि ये वेदर अभी अच्छा रहेगा। अभी हफ्ता 10 दिन वेदर प्रॉपर खुला हुआ है फोरकास्ट के अकॉर्डिंग, तो इसमें राइड करने का अलग ही मज़ा आता है। ये प्रॉपर टर्मैक है यहाँ पे, तो इस पर बढ़िया चल रही है बाइक एकदम, और रचित जी कर रहे हैं लीड और हितेश आज फॉर अ चेंज धीरे चल रहा है। खेल रहे हो। हमारे साथ अमन भाई भी हैं आज, एक KTM Duke 200, पीछे हैं विशाल भैया वो हैं Duke 390 पे। वृंदावन जा रहे हैं, मथुरा हम पहुंच चुके हैं, मथुरा टोल है ये पीछे, और पांचों बाइक, पांचों नहीं पांचों 27 किलोमीटर और है यहाँ से वृंदावन, चलते हैं वहाँ पे। रचित जी कह रहे हैं कुछ अच्छा सा मिलता है खाने पीने का, वो खा के आते हैं छोले और छोले टिक्की, भाई छोले टिक्की और लस्सी। चलो जी राल को, टायर का परफॉर्मेंस अभी तक तो ठीक है, अभी मैं 130 तक भी गया था, 135 तक कोई ऐसा मतलब कोई इशू नहीं लगा मुझे तो मेरे को लग रहा है ये 160-165 आराम से टच कर सकता है। रचित जी आपके टायर की रेटिंग, रचित जी चल के देखते हैं क्या है। मथुरा टोल के आई थिंक 10-12 किलोमीटर बाद हमें यू टर्न लेना होता है वृंदावन के लिए, लेफ्ट से यू टर्न लिया और नीचे ये रखा वृंदावन, ये अंडर पास है छोटा सा, एग्जॉस्ट के आवाज़ तो बनती है भाई यहाँ एक। वेदर कसम से यार बहुत ही सही है आज, चलाने में मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। सही है बेटा सही है। मैं सोच रहा हूँ यार एक एक दो दो कपड़े ले आते ना तो और आगे तक निकल लेते, लखनऊ पहुँच जाते। है रशीद जी कबाब खा के आते लखनऊ, अगर एक खा
चले गए खाने लखनऊ, ऐसा ज़्यादा दूर नहीं है। जुबान बोलो केसरी। बारह किलोमीटर रह गया, वृंदावन है। चलो जी चलते हैं आगे। ये शेडो बड़ी सही लगती है यार, ये शेडो आती है ना पीछे जब आपके सूरज रहता है, आगे जो शेडो बनती है बड़ी सही लगती है बाइक की। सही लग रही बाबा मोटरसाइकिल, सही लग रही है। यहाँ को कर दें पार्किंग। अच्छा अच्छा छोटू देख के भाई, उस पार्किंग में लगा देना चाहिए था हमें, पता है। हाँ मोड़ लो, यहाँ से मोड़ लो, इतनी बड़ी मोटरसाइकिल। यहाँ पे चश्मे ले जाते हैं बंदर, रचित जी का भी चश्मा छीन लिया है, वो लेके बैठा ऊपर। फिर ले गया, भाई ये चश्मे ले लेके भागते हैं बंदर यहाँ पे। रचित जी चश्मा कैसा है? पता नहीं भाई, ले लिया और यहाँ पे दो स्क्रैचेस मार दिए बड़े बड़े। स्क्रैच आगे चेंज कराना पड़ेगा, वैसे भी कराना ही था। चलो एक बहाना मिल गया, जल्दी हो जाएगा। आज इसकी टेस्टिंग के लिए जाना था मेरे को, मैं यहाँ आ गया हूँ। कल गुड़गांव गया था। कुछ खा लेते हैं हम लोग क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत है, तो जल्दी से खा के उतरेंगे, जल्दी से निकलने, और शोर भी बहुत है इसलिए शायद वॉइस क्लियर नहीं होगी। लस्सी मैं लूँगा, एक लस्सी। चलते हैं वापस, अब बाइक्स वगैरह हम लोग इधर पार्क कर गए थे सारी। The king is back. The king. हाँ किंग। चलें? चलो चलो। हाँ मुझे बंदर वाला सीन याद आ रहा है अभी। अभी पीछे उन्होंने निकाल लिया था, कहते हेलो भाइयों, बस निकलते हैं यहाँ से, बाइक स्टार्ट करनी है, निकलना है क्योंकि 11:30 होने वाले हैं और हमें लग रहा था कि 1 बजे तक घर पहुँच जाएंगे, मगर लग रहा है 1 से ज़्यादा हो जाएगा टाइम। बीच में एक आधी चाय पियेंगे क्योंकि लस्सी पी लिया, लस्सी से आ रही है अब नींद। अब सोलेस की फ्यूरियस V3 मैंने डाली हुई है जैकेट अपनी, जो टूरिंग जैकेट है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें ये मैश है, तो इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से, तो अच्छी हवा लगती रहेगी। तो जैकेट की सबसे अच्छी चीज़ ये है, यहाँ पे प्रॉपर मैश है, ये हमने ज़िपर से नीचे कर लिया, यहाँ पे इसको फिक्स कर लिया, अब ये मैश इधर है तो हवा आती जाती रहेगी। हवा ज़्यादा चल रही है तो विंड ब्लास्ट काफ़ी आ रहा है चलाते हुए। मैं सोच रहा हूँ मैं भी रचित जी जैसी एक विंड स्क्रीन लगा लूँ, क्यों लगा लूँ, है ना। विंड स्क्रीन मतलब इंटरसेप्टर के यार, मार्केट में लोग कोई मीटियोर की लगा लेता है, कोई हिमालयन की लगा लेता है, ये कार्बन रेसिंग की आई थी मगर उसके बाद बंद हो गई है ना। अरे वो बहुत टाइम लगाते हैं, 6-7 महीने तो मुझे सुनते हुए हो गया कि प्रोडक्शन में है। एक प्रॉपर सी विंडस्क्रीन मिल जाए तो कम से कम उस पर क्या करें ना, टूरिंग पे हम लगा लें, टूरिंग से आके जब सिटी राइड करनी, थोड़ा इधर उधर चलाना है तो निकाल। ये सीमेंटेड है, आगे थोड़ा सा एक हिस्सा टर्मैक का भी था, बाकी एक दिन एक ऑफ रोड पैच पकड़ते हैं कोई घर के आसपास, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, वहाँ पर थोड़ी सी इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं रेलको की। और स्पीड से रिगार्डिंग अपडेट ये है कि अभी मैं 130 तक तो गया था, तो मुझे एज सच कुछ भी फील नहीं हुआ,
पी रेटिंग है तो 150 तक तो आराम से जा सकते हैं। और यार नेकेड बाइक में विंड ब्लास्ट इतना लगता है कि आई थिंक 130 भी सफिशिएंट रहता है यार। स्टेबिलिटी इंटरसेप्टर की बड़ी सही रहती है यार हाईवे पे। हैंडलिंग वगैरह अपनी एकदम मस्त हो चुकी है अब राइजर्स लगा के, और बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है अब चलाने में। ड्यूक पे आ चुके हैं 200 सीधा 450 सीसी डाउन। कैसा लग रहा है तेज आपको 650 के बाद 200 चलाते हुए? वैसे बाइक बहुत मस्त है। ये कनेक्टेड नहीं है हमसे शायद, कह रहा है ये अभी कह रहा था कि बाइक छोटी लग रही है। मुझे इसके हिसाब से सही लग रही है, पता है इस पर सही लग रही है बाइक, ये सूट कर रही है इस पर एकदम। नहीं ये पुरानी जनरेशन वाली ड्यूक है शायद, ये बहुत अच्छी है। ड्यूक 390 और 200 जो पुरानी जनरेशन की है काफ़ी अच्छी चलती है। 2-3 मिनट के लिए हम लोग रुके थे क्योंकि लस्सी पी ली थी उससे आ रही थी नींद, और सब लोग थोड़ा थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, पानी वगैरह पी लिया आराम से। हितेश भाई बहुत खुश हैं आज ड्यूक चला के। कैसा लग रहा है 650 के बाद ड्यूक चला के आपको? बहुत पावर उड़ रही थी भाई। अमन भाई चला रहे थे ड्यूक 200 के बाद 650 इंटरसेप्टर, तो अमन भाई से पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा 200 के बाद 650 का? बहुत खराब है भाई, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा एकदम, ये समझ लो 10 times पावर होगी। मतलब मैं 80 पे चलाता हूँ अपनी तो एकदम ऐसा लगता है मैं खींच रहा हूँ बाइक को, ड्यूक को, और भाई 650 चलाता हूँ इंटरसेप्टर तो ऐसा लगता है आराम से मक्खन की तरह, क्योंकि ट्विन सिलेंडर है ना तो स्मूथनेस बहुत है इंटरसेप्टर में, और जरा सी थोड़ा सा थ्रोटल देते ही ऐसे भागती है, पूछो मत इंजन ब्रेकिंग तो पूछो ही मत। और एक वो भी है कि मतलब शूटिंग पोस्चर भी बहुत अच्छा है, शूटिंग पोस्चर अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। और शोर बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम बिल्कुल मेन हाईवे पर खड़े हैं। और विशाल भैया आ जाओ, विशाल भैया अभी ड्यूक 390 चला रहे हैं 2016 मॉडल, जिसमें मतलब बिल्कुल जो रॉ पावर वाली आती थी, एक बार दिखा देता हूँ। ये ड्यूक 390 2016 और ये ड्यूक 200 2016 एकदम रॉ पावर वाली बाइक्स हैं दोनों। और अभी भी अगर आप यूज़ मार्केट में जाओ ना कभी लेने तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा मिलती है। धूप बहुत तेज़ हो चुकी है, हम लोग निकलते हैं, थोड़ा सुस्ता लिए, पानी पुनी पी लिया, अब चलने का टाइम है। टाइम क्या हो गया? 1 बज गया ना, 1 बजने में 5 मिनट हैं बस निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी कम से कम हमें 40 मिनट और लगेंगे ग्रेटर नोएडा पहुँचने में। तो कैसे हैं आप लोग, तो कैसे हैं आप? इन्हें पहचाने रचित जी, चश्मा कैसा है? बंदर ने साले ने खराब कर दिया चश्मा मेरा। बंदर ने मारे निशान यहाँ पे, ये देखो ये जो दो निशान है ये बंदर ने मारे, चश्मा दांत से काट रहा था वो। हो सकता है उसे लग रहा है भाई साहब वहाँ के बंदरों को आदत है फ्रूटी पीने की, लोग कह रहे फ्रूटी लाओ चश्मा ले जाते, फ्रूटी लाओ चश्मा ले जाओ। वृंदावन में बंदरों को आदत है फ्रूटी पीने की, लोगों ने डाल दिया, वो सामान लेके भागते हैं। कभी भी वृंदावन जाओ ये चीज़ ध्यान रखना भाई, चश्मा बिल्कुल मत लगा के जाना, चश्मे पे एकदम वार होता है। चश्मा लेके जाओ साथ में फ्रूटी भी लेके जाओ। चश्मा लेके जाओ साथ में फ्रूटी भी। अब बंदर ने करा क्या, रचित जी और अमन भाई दोनों साथ साथ चल रहे थे तो वो बंदर आके बैठा अमन भाई के कंधे पे और उसके सहारे से रचित जी का चश्मा छीन के भागा ऊपर। भैया हद है, जानवर कितना होशियार हो चुका है, देख रहे हो भाई पूरी डील क्रैक करते हैं वो, पूरी स्ट्रेटेजी बना रखी थी उसने, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग पहले मैं ऐसे चढ़ूंगा। मगर उस आदमी की हिम्मत थी, वो बंदर पूरा चढ़ गया था ऊपर एकदम छीनने के लिए उससे। चलो सर चले, मैं आ गया हूँ हितेश की बाइक पे, हितेश को राइजर्स चेक करने हैं क्योंकि मन इसका भी कर रहा है राइजर्स लगाने का। कैसा फील हो रहा है ना? कंफर्टेबल है ना, क्योंकि अब तेरा हैंडल है वो आगे को है, राइजर लगा के 1.5 इंच अपनी तरफ आ जाएगा तो पीठ तेरी अब जो बैक है वो ऑलमोस्ट सीधी है, थोड़ा सा अगर आगे को बैठेगा और सीधी हो जाएगी भाई। मगर सीट से ना बहुत अच्छा लुक आ रहा है बाइक का,
सीट से बहुत अच्छा लुक आ रहा है, कलर और कंफर्ट बहुत है। अब तेरे को बैठ के अच्छा लग, कंफर्टेबल लग रहा है ना अब। चलो भाइयों को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। ओके सयू, तू बहुत खुश रहता है। चलो भाई बढ़िया राइड रही आज की, चलते हैं यहाँ से अब घर की ओर। चलो जी, ओके सर, सी यू। यहाँ से रास्ते अलग, यहाँ से रास्ते हो जाते हैं हमारे अलग, नोएडा वाले नोएडा को, ग्रेटर नोएडा वाले ग्रेटर नोएडा को। मतलब भाई अपनी राइड हो गई 262 किलोमीटर्स की पूरी आज, तो मतलब लगभग 130 किलोमीटर जाना, 130 किलोमीटर आना। अच्छा रहा आज का वेदर, और वेदर की वजह से काफ़ी मज़ा आया बाइक चलाने में, ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं हुई, और ये आइडियल वेदर है एकदम राइडिंग के लिए, मैं तो ये कहता हूँ। बाइक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, हैंडल बार, राइजर्स, सीट, टायर, सब चीज़ एकदम फिट। टायर 130-135 तक में गया, पता भी नहीं चल रहा है, मतलब पी रेटिंग है 150 तक तो जा सकता है, मगर यार 130 भी बहुत रहता है एक्सप्रेसवे पे जब आप लगेज के साथ हों। तो मैं तो आज खाली था तो इसलिए थोड़ा सा खींच के देख रहा था, वरना मैं 110 के आसपास ही जाता हूँ, इससे ऊपर नहीं जाता। बाकी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव, और ऐसे ही वीडियो देखते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक और शेयर करते रहो, और जल्दी मिलते हैं दोबारा किसी नए वीडियो में। तब तक यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।